नमस्कार, गुड लक बैड लक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुबोध सुंदरिया। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, पैसा वो भाषा बोलता है जिसे पूरी दुनिया समझती है। ये कथन आज के युग में सत्य है, जहां हर कोई पैसे के महत्व को पहचानता है। पैसे कमाने की चाहत में लोग ना सिर्फ नौकरी करते हैं बल्कि वैकल्पिक विकल्प भी तलाशते रहते हैं। हर कोई चाहता है उसके पास ढेर सारा धन हो, उसके पास लग्जरी कार हो, कोठियाँ हों और आराम भरी जिंदगी जीने लायक पैसे हों। हालांकि वर्तमान मुद्रास्फीति के समय में पैसा कमाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन चुका है और व्यक्ति स्वयं को अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए निरंतर संघर्ष में लगा पाता है। इस परिदृश्य में लोग अपनी आय को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त रास्ते तलाशते हैं। सवाल उठता यह है कि क्या किसी व्यक्ति के लिए अत्यधिक प्रयास किए बिना अमीर बनना संभव है? उत्तर है हाँ। सट्टा मटका किंग के नाम से मशहूर गेम ऑफ चांस में बहुत से लोग अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। लॉटरी गेम ने आम लोगों को कुछ ही घंटों में करोड़पति बना दिया है। उन्होंने न केवल धन अर्जित किया है बल्कि कुछ लोग विलासतापूर्ण जीवन शैली का भी आनंद ले रहे हैं। अब इसको देखने के बाद अब लोग सोच में पड़ जाते हैं कि कोई सट्टा मटका किंग गेम से कैसे खेला जाता है और इसमें कैसे पैसे लगाया जाता है। इन सवालों का जवाब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। गौरतलब है कि देश भर में ऐसी कई सारी वेबसाइट है जो रोजाना लॉटरी गेम खेलने की सुविधा देती है। इसके अतिरिक्त सट्टा या लॉटरी गेम कहीं से भी ऑनलाइन खेला जा सकता है। सट्टा किंग गेम में व्यक्ति 0 से 99 के बीच एक भाग्यशाली नंबर का चयन करता है। यदि चुना गया नंबर लकी ड्रॉ में परिणाम से मेल खाता है तो उसे विजेता नंबर कहा जाता है। फिर निवेश की गई रकम को कई गुना करके व्यक्ति के खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है। हर दिन कोई ना कोई सट्टा किंग का बादशाह भी बनता है जो लॉटरी गेम की दुनिया में सर्वोच्च स्थान रखता है। आइए गली दिसावर, फरीदाबाद, गाजियाबाद, अन्य खेलों में 20 नवंबर की जीत की संख्या पर एक नज़र डालते हैं। बता दें कि सट्टा किंग जैसे गेम ने कई जिंदगियों को बर्बाद भी कर दिया है, जिससे इस गेम पर पैसे का दाव लगाकर लोगों को अपना सब कुछ भी गंवाना पड़ा है। भारत सरकार ने इस गेम पर बैन लगाया हुआ है, इसलिए न्यूज रूम पोस्ट ऐसे किसी भी खेल को समर्थन नहीं करता है जिसमें वित्तीय जोखिम शामिल है। तो गुड लक बैड लक में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे दोबारा, तब तक आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।